प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के नाम एक संदेश जारी किया है और उन्होंने राय मांगी है लोगों से नोट बैन वाले मुद्दे पर। पीएम जानना चाहते हैं कि लोगों की क्या राय है, लोग इसे किस तरह से परसीव कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, क्या इसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं। सीधे जनता से राय मांगी है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के नाम एक संदेश जारी किया है। नोट बैन का फैसला लिया गया था 8 नवंबर की रात को करीब 8:30 बजे और उसके बाद से लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लोगों ने हालांकि लगातार हम अपनी टीवी न्यूज के जरिए भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसका स्वागत किया है इस पर। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जनता की राय मांगी है। रविंद्र कुमार हमारे सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं। जी रविंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया है कि एक ऐप है नरेंद्र मोदी ऐप, उस पर अपने नोटबंदी से जो भी इसका सहूलियत है या इससे जो परेशानी हो रही है उसके सभी जानकारी जनता, देश की जनता फर्स्ट हैंड अपनी अपना जो उनका एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव हो रहा है, लाइन में लगे हुए हैं, पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या नोटबंदी से क्या फायदा होगा देश को या उनको क्या फायदा हुआ, और नोटबंदी का जो विरोध कर रहे हैं उनकी नजर में वो क्यों विरोध कर रहे हैं, ये सभी जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने जनता से मांगा है। सही तौर पर एक सीधे कनेक्ट करने की बात की जा रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कल ही राहुल गांधी ने एक तरह से आरोप लगाया था कि डिस्कनेक्ट है जनता से, प्रधानमंत्री ने उसको करारा जवाब देते हुए कहा कि हम जनता से डिस्कनेक्ट नहीं है, जनता की भावनाओं का ख्याल रखते हैं, इसलिए नोटबंदी का फैसला लिया और नोटबंदी पर जनता उनके साथ है, देश की जनता उनके साथ है। और मैं ये भी बता दूं नंदिता कि अभी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक हुई है, संसदीय दल की बैठक हुई है, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार भावुक हुए हैं नोटबंदी और गरीबों को लेकर। 70 साल के बावजूद देश में गरीबी है, लोगों को खाने का नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, और हम गरीबी उन्मूलन के लिए नोटबंदी का फैसला लिए हैं जिसका विरोध किया जा रहा है, सियासी तौर पर किया जा रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण है। खुद उन्होंने जनता से सीधी भागीदारी करते हुए उनका व्यू मांगा है। बिल्कुल रविंद्र, किस तरह से जनता अपनी राय दे, दर्शकों के लिए बता दीजिए, क्या उनकी ऐप पर जाकर राय दे, उनको मैसेजेस भेजे, किस तरह से जनता की राय मांगी है प्रधानमंत्री ने? नंदिता, ये पहली बार नहीं है, प्रधानमंत्री मन की बात जब करनी होती है उस समय भी जनता की भावनाओं को ख्याल रखते हैं, उनसे सीधे कनेक्ट करते हैं, उनका जो विचार है वो मंगवाते हैं, और ये मन की बात में वो पहले भी कहते रहे, और इस बार नोटबंदी को लेकर उन्होंने एक ऐप दिया है नरेंद्र मोदी ऐप करके, उस पर जाएगा जो अपने मोबाइल में डाउनलोड करेगा, नेट पर डाउनलोड करेगा और सीधे अपनी भावनाएं उस पर रखेगा कि नोटबंदी को लेकर उन्होंने उनकी क्या भावनाएं है वो प्रधानमंत्री को भेजेगा। और प्रधानमंत्री जो इस महीने मन की बात करने वाले हैं महीने के लास्ट में, उसमें उन सभी बातों को देश की जनता के सामने रखेंगे, किसने क्या क्या कहा, सिलेक्टेड बात को जरूर रखेंगे, लेकिन एक ओवरऑल जो व्यू होगा जनता का वो भी मन की बात में लोगों के सामने रखेंगे। बिल्कुल, और रविंद्र, जनता से सीधे कनेक्ट करने की कवायद तो है ही, और विपक्षी दल जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि जनता को बेहद परेशानी हो रही है, कहीं ना कहीं उनको भी जवाब देगी अब सीधे जनता? जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के फैसले के बाद कई राज्यों में गए हैं, चाहे परिवर्तन रैली के जरिए हो या गोवा में हो या फिर कर्नाटक में गए, महाराष्ट्र में गए हैं, और हर जगह उन्होंने यही कहा, बात कही है जनता से सीधे बात करके, कनेक्ट करके कि क्या नोटबंदी का फैसला उन्होंने किया है, इसके विरोध में है या सपोर्ट कर रहे हैं। लाखों की संख्या में लोगों ने हाथ खड़े करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सपोर्ट किया था, ये लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष आरोप लगा रहा है और लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चलने दी जा रहा कि लोगों को परेशानी हो रही है, कहीं ना कहीं ये जवाब है उन विपक्षी दलों को, उन नेताओं को जो नोटबंदी के फैसले के खिलाफ जाकर संसद नहीं चलने दे रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। ममता बनर्जी कल से दिल्ली में आ रही हैं और आंदोलन की बात कर रही है, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो या फिर मायावती हो, सभी को जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐप के जरिए दिया है कि लोग उनके साथ हैं, नोटबंदी के फैसले में साथ है सरकार के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। बिल्कुल रविंद्र, हमारे साथ रहिए। तो ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता की राय मांगी है। उन्होंने कहा है कि नोटबंदी का जो फैसला है उस पर जनता सीधे प्रधानमंत्री को अपनी राय दे, किसी भी तरह से वो कनेक्ट कर सकते हैं, माय गवर्नमेंट की वेबसाइट है या फिर प्रधानमंत्री मोदी की ऐप है, उसके जरिए संदेश आप भेज सकते हैं। कुछ सवाल प्रधानमंत्री मोदी ने पूछे हैं, क्या भ्रष्टाचार है देश में, क्या देश में काला धन है, क्या लोगों को परेशानी हो रही है, क्या इससे असुविधा हो रही है, क्या इससे देश का भला होगा, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे जनता से पूछी है।
और जनता की राय जाननी चाहिए है। आपको बता दें कि जब से नोटबंदी का फैसला हुआ है उसके बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है और राजनीति इस बात पे हो रही है कि आम जनता सफर कर रही है। लेकिन जी न्यूज पे लगातार हम आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं एटीएम से, बैंक से, जहां पर लोग थोड़े परेशान जरूर हैं लेकिन सभी प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले में उनके साथ हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसे कि वो मन की बात से जो रेडियो पे उनका कार्यक्रम आता है हर महीने लोगों से कनेक्ट करते हैं, उससे पहले जनता की राय उन्होंने जाननी चाहिए। रविंद्र, हर महीने की आखिरी संडे को वो मन की बात करते हैं, इस बार ये मुद्दा छाया रहेगा प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं और वो सीधे जनता को ही कोट करना चाहेंगे। देखिए नंदिता, इस मन की बात में एक बात और बता दूं कि एक भोपाल में मध्य प्रदेश में कहीं पर एक चाय वाला ने चाय जो बेच रहा है वो भी कहीं ना कहीं ई नोट ग्रहण करने के लिए बात कही है। उसने अपने एटीएम से जिस तरह से पैसे निकालते हैं उस तरह से उसने अपने फैसिलिटी रखा है, तो उसकी भी जवाब उसकी बात भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री। और आज उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया है कि इस ऐप के जरिए आप सीधे हमें जानकारी दे सकते हैं कि आपको क्या तकलीफ हुई है या इससे कितना फ़ायदा होगा और जो सियासी लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्यों विरोध कर रहे हैं, आपकी नज़र में क्या है। तो कहीं ना कहीं सीधे कनेक्ट करने की एक पहल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और ये आज से नहीं जब से सरकार में आए हैं उन्होंने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। माई डॉट गवर्नमेंट हो या फिर मन की बात हो या कई रैलियों में वो गए हैं, चाहे सरकार के जो कार्यक्रम होता है उसमें भी उन्होंने बात कही है कि जो जनता की भावना होगी उसी के अनुसार सरकार काम करेगी। और नंदिता एक बात और है, आज भी प्रधानमंत्री बीजेपी संसदीय दल की बैठक में करीब करीब तीन बार भावुक होते हुए यही कहा कि हम गरीबी मिटाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है। जब हम सत्ता में आए थे उस समय कहे थे कि गरीबी खत्म करना ही हमारा उद्देश्य है, गरीबों के लिए ही सारे कार्यक्रम है। 50 से ज़्यादा जो कार्यक्रम सरकार ने बनाए हैं यह सिर्फ और सिर्फ गरीबों को ध्यान में रख किया गया है। भले ही उनके ऊपर विपक्ष आरोप लगाता हो कि 15 उद्योगपतियों के लिए सरकार है, लेकिन इससे उनको कहा कि उन्होंने इसका साफ कहा पार्टी के नेताओं को कि इससे उनको कोई मतलब नहीं है, देश की जनता उनके साथ है और देश की जनता के लिए ही वो काम करते रहेंगे। आपने देखा होगा कि नोटबंदी का फैसला लेने के बाद जब वो जनता से कनेक्ट किए थे तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए वो उनके ऊपर भले ही खतरा हो लेकिन वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पहल कर रहे हैं और सीधे भी कनेक्ट कर रहे हैं और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संसद नहीं चलने दे रहे हैं, जो एटीएम में जाके खड़े हो रहे हैं, जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये जनता से डिस्कनेक्ट हैं और वही लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो जनता से डिस्कनेक्ट हैं। ये गलत आरोप है और जनता उनके साथ है, देश उनके साथ है नोटबंदी के मामले में। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है रविंद्र की प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही प्रैक्टिकल, ये भी उन्होंने नहीं कहा कि वो उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि लोग लाइनों में खड़े हैं और उन्हें दिक्कत है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दूरगामी परिणाम इसके अच्छे हैं और यही चीज हमने अपने तमाम सर्वेज में और ग्राउंड रिपोर्ट्स में भी दिखाई है। रविंद्र, देखिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तब कर सोना निकलेगा यह देश, नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी खत्म होगा, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पास एक रोडमैप भी है। जिस तरह से उन्होंने नोटबंदी किया था उसके बाद रिलैक्सेशन कई तरह के दिया गया है, चाहे किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, जनधन खाते के लिए हो या फिर दूसरे लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं सरकार चाहे प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं जैसा कि आपने भी कहा कि लोगों को जो तकलीफ हो रही है उससे प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि वो अवगत नहीं है, वो इससे पूरी तरह से वाकिफ़ हैं और वो लगातार रात में 12 बजे तक वो मीटिंग ले रहे हैं वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा, आरबीआई के अधिकारियों द्वारा, और जो भी जनता की तकलीफ है उसे दूर करने की भरसक कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि ब्लैक मनी को किसी भी सूरत में वो पनपने नहीं देंगे, जो है आज देश में उसे खत्म किया जाएगा। एक ये पहल है, एक शुरुआत है, आगे और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को लेकर वो दृढ़ संकल्प है सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि इसे हर हाल में अगले 17 महीने में अगले दो साल में खत्म कर दिया जाएगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी कोई भी भुगतना पड़े, कोई भी परिणाम भुगतना पड़े, जैसा खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके ऊपर भी खतरा हो सकता है लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल रविंद्र, हमारे साथ रहे। एक बार फिर अपने दर्शकों को हम बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है जहां उन्होंने सीधे जनता से राय मांगी है, वो जनता से जानना चाहते हैं कि ये जो नोटबंदी का फैसला सरकार ने लिया है उस पर उनकी क्या राय है, क्या जनता इसे सही मानती है, क्या उन्हें लगता है कि देश में काला धन है, क्या उन्हें लगता है कि जो फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है उससे देश का आगे चल के भला होगा। इन तमाम सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी सीधे जनता से चाहते हैं, यानी कि आपसे चाहते हैं। और इस वक्त कांग्रेस नेता मीम अफजल जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। मीम अफजल जी, सीधे जनता से पूछा है उन्होंने, जनता अब बताएगी क्या वो परेशान है या नहीं, विपक्ष से फर्क नहीं पड़ता है प्रधानमंत्री मोदी को? देखिए विपक्ष जो है वो भी जनता की आवाज है, सरकार से पूछ रही है जनता से। मैं समझता हूँ की प्रधानमंत्री ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक तरह से अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। जो सवालों के जवाब उन्होंने मांगे हैं
अगर वो हाउस में बैठ करके अपोजिशन से मांग लेते तो हो सकता है कि उनका दोनों पर्पस के हल हो जाते, लेकिन वो अपोजिशन को पार्लियामेंट को कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। पब्लिक मीटिंग्स में बात करते हैं, वो ऐप पर बात करते हैं, उन्होंने जो 10 सवाल पूछे हैं वो इस अंदाज से पूछे हैं कि ज्यादातर सवालों में उनको जवाब पॉजिटिव मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं नवीन अफजल जी, आप विपक्ष अगर जनता की आवाज है तो जनता की आवाज ही तो प्रधानमंत्री मोदी भी सुनना चाह रहे हैं। देखिए, जनता की आवाज जो है वो विपक्ष की शक्ल में भी सामने आ रही है, और अगर जनता की आवाज सुननी है तो प्रधानमंत्री ने पिछले फ्राइडे को ये कहा था कि तमाम पार्लियामेंट के मेंबर उनके अपने अपने हलकों के अंदर जाएं और वहां जाकर के लोगों को समझाएं, लेकिन एक भी उनका MP किसी बैंक के बाहर लोगों को समझाता हुआ पाया नहीं गया। मध्य प्रदेश में कुछ लोगों ने वोट मांगने की कोशिश की थी, उनकी जनता ने पिटाई कर दी, और अगर ये लोग जाते तो यकीनन वही होता जो मैं कह रहा हूँ। तो इससे जनता की आवाज क्या है अच्छी तरह से उनको मालूम है। अगर रोजाना जिस तरह से ऑर्डर्स आए, अब तक 17 ऑर्डर्स आ चुके हैं RBI की तरफ से, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ चेंजेस किए हैं और नए नए कानून, नई नई चीजें, नए नए लॉज, नए नए रूल्स बना करके लोगों पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि उनके पास किसी प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं थी और उन्होंने हड़बड़ी के अंदर इस ऑर्डर को जारी किया। जी, आप कह रहे हैं कि जनता की आवाज विपक्ष की शक्ल में भी सामने आ सकती है। विपक्ष के पास तो एक अंडरलाइन मोटिव है, एक राजनीतिक मोटिव है, जनता के पास नहीं है। जनता ये कह रही है कि हाँ हमें परेशानी हो रही है, वही बात जो विपक्ष कह रहा है, जनता ये कह रही है, लेकिन वो ये भी कह रही है कि हम साथ हैं प्रधानमंत्री मोदी के, और यही बात वो जनता से सीधे जानना चाहते हैं। देखिए, जब वो ये समझ ही रहा है कि जनता साफ है तो ये सवाल पूछने की जरूरत भी महसूस हुई, इसका मतलब है कि वो घबराए हुए हैं, वो जनता का सपोर्ट चाहते हैं अपोजिशन के खिलाफ, और अपोजिशन को आप कह रहे हैं सियासत कर रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी सियासत नहीं कर रही? बिल्कुल नीम अफजल जी, इसका जवाब हम बीजेपी के नेता से ही लेंगे। नलिन कोहली जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। नलिन जी, सीधे तौर पे नीम अफजल जी का ये कहना है कि जनता की आवाज सुननी है तो विपक्ष की शक्ल में सुन ले, आप जवाब देंगे? नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है हिल रहे हैं, क्योंकि जनता में समर्थन है। आप देखिए, कतारों में भी लोग जो है अधिकांश उनमें से कहते हैं हाँ मानते हैं कि हमें तकलीफ है, लेकिन हम इस तकलीफ को सहने के लिए तैयार है, क्योंकि लड़ाई काले धन के खिलाफ होनी चाहिए। ये लड़ाई, मुझे लगता है इस लड़ाई में किसी भी दल को इसके विरुद्ध नहीं खड़ा होना चाहिए। यदि किसी को दिखता है कि कोई कमी है तो उसमें सहयोग जताना चाहिए। आलोचना करना पार्लियामेंट में, किसी को बोलने ना देना, सुरेश प्रभु जी भी जब बोल रहे हैं एक इतने बड़े हादसे के ऊपर में, एक दुर्घटना के ऊपर में, उनको भी ना ठीक से बोलने देना, तो कहां तक ये उचित है? अब जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हम बात करें तो उनके ट्विटर पे आप देखें तो करोड़ों फॉलोअर हैं, फेसबुक हो, उनके ऐप को लेकर कई लाख लोग रोज इंटरेक्ट करते हैं। लोग जनता जो है, जनता से पूछने का अधिकार क्या नहीं है? जनता से सवाल वाकई ये है कि विपक्ष के अपने रिजर्वेशन हो सकते हैं, उनके अपने सवाल हो सकते हैं, पर चर्चा क्यों नहीं हो रही संसद में? हेलो जी मीम अफजल जी, जी जी, आपने मुझसे पूछा? जी बिल्कुल, आपसे पूछा कि अगर विपक्ष के दिमाग में सवाल है या कोई इश्यूज हैं तो फिर इसे संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है, रोज स्थगित क्यों हो जाता है कार्रवाई? हुई और हमने सवाल रखे और उसके बाद का प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था, प्रधानमंत्री को खुद आकर जवाब देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट से गायब है, वो पार्लियामेंट के ताल्लुक से उनका ये रवैया आज से नहीं है। पहले भी उन्होंने कई बार ऐसा किया है कि वो पार्लियामेंट को कोई अहमियत नहीं देते। इससे साफ जाहिर होता है कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में क्या सोचते हैं। और जो बात अभी अनिल भाई ने कही कि विपक्ष को कोऑपरेट करना चाहिए, हम तो कोऑपरेशन करने के पूरे मूड में थे, लेकिन जनता के बीच में आप भी तो जाकर देखिए, आपके कितने MP, कितने लीडर जाके लाइनों में खड़े होकर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, हिम्मत नहीं है। आप कह रहे हैं कि जनता तकलीफ उठा के साथ मोदी के साथ है, वो तो हम भी कह रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि आपके जो ब्लैक मनी का कोई भी तरीका है, कोई भी है, वो हम आपके साथ हैं ब्लैक मनी को रोकने के लिए, लेकिन अगर आप जनता को परेशान करेंगे तो हम जनता के साथ खड़े होंगे, आपके साथ खड़े नहीं होंगे। नलिन जी जवाब दीजिए। चलिए नलिन जी, नलिन कोहली जी का फोन कट गया। मीम अफजल जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो विपक्ष का लगातार यही कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में आकर बात करें, वो जनता से सीधे कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की आवाज नहीं सुन रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी अब चाहते हैं सीधे जनता से उनकी राय जानना, इसीलिए उन्होंने ऐलान किया है और जनता का आह्वान किया है कि वो आए और खुद बताएं कि उनका क्या कहना है, क्या राय है नोटबंदी के सरकार के फैसले।